नमस्कार, सुबह की खबरों के साथ मैं हूँ कीर्ति तिवारी। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। रांची यानी झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले फेज के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर को, तीसरे फेज के लिए 12 दिसंबर, चौथे फेज के लिए 16 दिसंबर और पांचवें फेज के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 23 दिसंबर को मतगणना होगी और चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। भारत चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ, उस वक्त से आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसमें अब जो भी उसके प्रोविजंस होते हैं, जिसमें कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन लग जाए, पब्लिक प्लेसेस है उस पे से सरकारी विज्ञापनों को हटा देना, जो हमारे LED वैन चलते हैं, LED स्क्रीन्स हैं, उनमें अब सरकारी कोई भी कार्य नहीं दिखाया जाएगा, पब्लिक एक्सचेंजर से कोई एडवर्टीजमेंट इत्यादि नहीं सरकार के द्वारा निकाला जाएगा। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो पॉलिटिकल पार्टी से भी लागू होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे भी लागू होता है, जो हमारे VIPs हैं उनको जो सिक्योरिटी अनुमान्य है वो सिक्योरिटी उनको उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु कोई भी सायरन की गाड़ी या स्कूटर वगैरह उनको नहीं दिया जाएगा। कोई भी गाड़ी में झंडा वंडा जो लगा के लाल झंडा लगाया जाता है वो सब अब नहीं होगा। जो उनको एज इंडिविजुअल सिक्योरिटी, चाहे वो Z+ हो, Z हो, Y हो, जो भी कैटेगरी की सिक्योरिटी अनुमान्य है उसके अनुसार से जो भी उनको सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना है वो सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। आज से कोई भी सरकार के या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनेता सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये सभी बातें हैं और बाकी एक डिटेल बुकलेट है वो आप सबके ऑलरेडी सर्कुलेटेड है। वहीं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की घोषणा स्वागत योग्य है। पार्टी इसका स्वागत और अभिनंदन करती है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक होंगे। 2014 के चुनाव भी 5 चरणों में ही संपन्न हुए थे। भाजपा ने जन भावनाओं के अनुरूप चुनाव आयोग से 5 चरणों में चुनाव कराने की मांग रखी थी। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा के 81 सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव करने की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण अंग है और चुनाव को निर्भीक और निष्पक्ष कराने के लिए संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कह सकते हैं प्रदत्त चीजें चुनाव आयोग के पास है। और झारखंड में 5 चरण के चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उनके उच्च पदाधिकारी रांची आए थे, एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से हम सब लोगों ने उनको ज्ञापन देने का भी काम किया था। और 5 चरणों में चुनाव इसलिए हम कराना चाहते थे कि पिछले चुनाव भी 5 चरणों में हुआ था, एक दूसरा 5 चरणों में चुनाव करने से निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होगा, लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र पर कोई कलंक नहीं लगा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप सब को जानते हैं कि इस निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं चुनाव आयोग से, और विश्वास है एक निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए लोकतंत्र में जनता की आवाज को EVM मशीन में डलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पहला 5 चरण है, आप सबको जानते हैं। पहला जो मतदान की तिथि है वो 30 नवंबर है, 13 सीटों पर है। दूसरा फेज जिसको कह सकते हैं 7 दिसंबर है मतदान की तिथि, 20 सीटों पर है। थर्ड फेज का चुनाव 12 दिसंबर को है, वो 17 सीटों पर है। चौथा
16 दिसंबर को है जो 15 सीटों पर उनका उसका चुनाव होना है। फिफ्थ और फाइनल चरण जिसको हम कह सकते हैं वह 20 दिसंबर को है और उस दिन 16 सीटों का चुनाव संपन्न होगा और मतदान के बाद मतगणना 23 दिसंबर को रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे डिटेल्स भी हम सब लोगों के पास है कि किस विधानसभा का सिलसिलेवार है, लेकिन एक लंबा फहरिस्त है 81 विधानसभा का। फर्स्ट पेज में कौन कौन विधानसभा का होना है, सेकंड पेज में किस किस विधानसभा का, ये हमारे पास है, आपके पास भी आ जाएगा, लेकिन ये एक डिटेल्स बताने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के पर्व को, हम कह सकते हैं लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक लोग अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मतदान करें, समाज के सभी वर्ग, सर्वस्पर्शी समाज जिसको कह सकते हैं, वह समाज अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए लोकतंत्र प्रणाली को और मजबूत करने में आगे बढ़ करके केवल अपना ही वोट नहीं बल्कि अपने परिवार का ही वोट नहीं बल्कि अपने मोहल्ले और टोले का वोट दिलाने का काम। दूसरी ओर पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र पाकुड़, लिट्टीपाड़ा एवं महेशपुर में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में अंतिम चरण में चुनाव होंगे, यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी कुलदीप चौधरी ने पत्रकार सम्मेलन में दी। डीसी ने बताया कि आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। मौके पर एसपी राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे। पूरे जिले में लागू हो चुका है, अब पुलिस के द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो कार्रवाई है वो आज से शुरू हो गई। जैसे 107 की कार्रवाई, इलीगल आर्म्स, इलीगल वीपन्स, इलीगल लीकर, इसकी सीजर, NBW जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उसका डिस्पोजल, आर्म्स वेरिफिकेशन, ये सारी कार्रवाई शुरू हो गई। कल से हमारे चेक पोस्ट भी चालू हो जाएंगे और पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन दृढ़ के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड की आज घोषणा की जा चुकी है। पाकुड़ जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, पाकुड़, ये 5वें चरण में है जिसका गजट नोटिफिकेशन 26/11 से शुरू होगा। पोलिंग हमारे यहाँ पर 20 दिसंबर को है और काउंटिंग 23 दिसंबर को 2019 में होगी। जिले में भौगोलिक में इस क्षेत्र के अंदर 813 बूथ हमारे यहाँ पर हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस में हम लोग 1014 बूथ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि 161 बूथ बड़हरवा और 40 बूथ गोपीकांदर से हमें मिल रहे हैं। सभी 1014 बूथ पर इलेक्टोरल रोल में सभी PWDs की मार्किंग कर ली गई है। 6000 से अधिक दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक मतदाताओं को इस बार चिन्हित किया गया है, जिन्हें निर्वाचन आयोग की विशेष पहल पर इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव कराने में का अवसर, चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी 27 चुनाव को कराने के लिए 27 कोषांगों का गठन हो गया है। 10 जगह SST पॉइंट्स बनाए गए हैं। प्रति विधानसभा 3 के हिसाब से 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीम बना दी गई हैं। सभी जगह पर स्वीप की गतिविधियां एथिकल ट्रांसपेरेंट वोटिंग को प्रमोट करने के लिए जारी है। अब बात करेंगे बुढ़मू की। ठंड आने से पूर्व बुढ़मू प्रखंड के सभी पंचायतों में मुखिया के नेतृत्व में गरीब, असहाय और बुजुर्ग ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी दौरान बुढ़मू प्रखंड स्थित मुख्यालय के मुखिया गोवर्धन लोहरा ने गरीब व्यक्तियों के बीच कंबल का वितरण किया और बताया कि बुढ़मू प्रखंड के पंचायतों में 3,360 कंबल का वितरण होना है। एक पंचायत में 240 लाभुकों को कंबल का लाभ मिलेगा, जिसकी शुभारंभ बुढ़मू मुखिया ने अपने आवास से की है। अब बात छठ पूजा की। पाकुड़ आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं ने फल, फूल, पूजन सामग्री की खरीदारी जमकर की। हाटपाड़ा रेलवे फाटक में लगी दुकानों में सूप, डाला, फल, फूल, पूजन सामग्री खरीदने सुबह से लोग पहुंच रहे हैं। इधर पर्वतियां अपने अपने घरों में प्रसाद बनाने में जुटी रहीं। छठ मैया के गीतों से भी माहौल जो है वो भक्तिमय है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।